अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट थ्री डी। आज की वीडियो में हम एक ट्यूटोरियल देखेंगे और ट्यूटोरियल जो है वो स्पायरल मॉडल का है। मतलब कि अगर आपको जो है वो बॉटल का कैप बनाना हो, या आपको कोई स्क्रू बनाना हो, या आपको कोई नट बोल्ट बनाना हो, तो उस तरह के मॉडल्स से जो है रिलेटेड है। और इसमें जो है हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट देखेंगे। मतलब कि अगर आपको एक कंबाइन जो है वो स्क्रू क्रिएट करना हो, तो सिर्फ उस वाले पार्ट पर जो है हम काम करेंगे, और बाकी का तो जो है बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। अच्छा, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, और अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है हम अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दो मॉडल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आप जो है एक सिलेंडर जो है अपनी कोशिश करेंगे ग्रिड के सेंटर में ड्रॉ कर लें, और एक्सप्रेस करके जो है अगर आप स्नैप करके अपनी ग्रिड के सेंटर में इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी जो है हम सब डिविजन्स वगैरह को जो है नहीं देखेंगे, और हम सीधे इसकी जो है वो सबसे पहले तो आप हाइट वगैरह अगर सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो है इसमें सब डिविजन्स जो है अभी नहीं छेड़ा, और इसका जो है वो हाइट जो है मुझे ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी अराउंड इतनी। ठीक है, और इसमें जो है हम इसका रेडियस जो है वो कम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आप इसे प्लेस कर लें ऊपर की तरफ, और ये और इसे कंफर्म कर लें कि ये आपका जो है वो ग्रिड के सेंटर में हो। ठीक है, सिलेंडर मॉडल करने के बाद जो है अब आप इसमें स्पायरल को मॉडल करें। स्पायरल मतलब कि हेलिक्स, और हेलिक्स आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपने जाना है क्रिएट मेन्यू में, आपके पास यहाँ पे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में सारे आपके पास पॉलीगॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, हेलिक्स ये रहा। आप अगर ये शेल से मॉडल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिंपली राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और यहाँ पे आपके पास हेलिक्स का ऑप्शन है। ठीक है, इसे भी जो है आप एक्सप्रेस करके अगर अपनी ग्रिड के सेंटर से ही मॉडल करना चाह रहे हैं तो यहीं से मॉडल कर लें। ठीक है, अब इसमें जो है अब इसकी हाइट सेट कर लें, फिर आप इसमें कॉइल्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी कॉइल्स चाहिए, और साथ ही साथ इसका रेडियस भी आप डिफ़ाइन करते हैं, मतलब कि थिकनेस आपको कितनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ वन टाइम के लिए नहीं होता, आप इसे जो है वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसे जो है दोबारा स्नैप करूँगा, सही है, और इस तरह से जो है हमें कुछ अपने स्क्रू वगैरह के लिए मॉडल चाहिए होता है, तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों को जो है वो कंबाइन कर दें मैश में जाके, और आपके पास जो है वो इस तरह का एक मॉडल आ जाएगा। ठीक है, बट इन अगर आपको जो है वो सिर्फ कॉम्पोजिशंस बनानी है तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप जो है वो डिफरेंट पॉलीगॉन्स को जो है सेपरेट ही रखें। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें जो है वो अच्छा सा एक मैश चाहिए जिसमें जो है उसकी तमाम जो है वो हर तरीके से जो है वो प्रॉपर हो, और वो किस तरह से क्रिएट होगा, सो सबसे पहले तो हमें जो है वो सब डिविजन्स को मैच करना है, और सब डिविजन्स को जो है किस तरह से मैच करना होगा, हमें जो है इनकी पॉली काउंट्स को जो है वो मैच करना है। यानी कि आप अगर पॉली हेलिक्स में जाएं तो आपके पास यहाँ पे सब डिविजन कॉइल जो है वो 50 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और अगर आप सिलेंडर में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे 20 आ रही है। आप इससे जो है वो 10 भी कर सकते हैं, या आप कोई अगर इवन वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। इसमें जो है मैं हेलिक्स की भी सेम रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं इसकी 20 सब डिविजन्स कर देता हूँ, तो ये कुछ हद तक जो है वो मैच होना शुरू हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो कॉइल की वैल्यू है ना वो समथिंग 9.5 आ रही है। अगर ये पूरी 9 होती या पूरी 8 होती तो ये जो है वो इजीली मैच कर जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 रख लेता हूँ इसको, और 8 कॉइल्स भी जो है वो चल जाएंगी हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट अब हमें ये करना है कि हमें जो है इनको आपस में यूनाइट करना होगा, और आप जो है वो सबसे पहले तो अपना जो आपके स्क्रू की जो है वो बेवल होगी, मतलब कि एज जो होगी वो जो है वो शार्प होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें सब डिविजन एक्सेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 8 के बजाय जो 4 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ स्क्रू वाला इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप अगेन अपनी वैल्यूज़ को सेट करें, यानी कि आप रेडियस वगैरह छेड़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें जो है ख्याल रखनी है, मतलब कि ये जो हमारी एज है ये हमें सिलेंडर के अंदर चाहिए होगी। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर क्यों चाहिए होगी, क्योंकि जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे यानी कि यूनियन करेंगे तो उससे होगा ये कि हमारे पास सिलेंडर के वर्टिसेस होंगे और साथ ही साथ हेलिक्स के भी वर्टिसेस होंगे, तो इन्हें जो है आपस में हमें वेल्ड करना होगा, यानी कि वर्टिसेस को जो है हमें आपस में मर्ज करना होगा। कुछ इधर हो जाएंगे, कुछ उधर हो जाएंगे, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, और इन्हें जो है हमें इस केस में मैच करना होगा। ठीक है, और अगर आप जो है इस एच को बाहर ही रखते हैं तो ये प्रॉपरली यूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूनियन किस तरह से होगा, आपने मैश में जाके अगर आप बूलियन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास यूनियन का ऑप्शन है। अगर अभी हम जो है इसे ड्रैग करके सेलेक्ट करके और मैश में जाके बूलियन करते हैं तो हमारे पास जो है वो इतना, यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एजेस आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए।
ठीक है जी। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करने से पहले यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका अपोजिट भी चाहिए होगा। और अब जो है हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमें यहाँ पे एजेस रेट करनी पड़ेंगी, यानी कि सपोर्टिव एजेस अगर हों आपके पास तो आप तो बाद में जो है आपके पास यहाँ पर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और सिंपली आप ये करें कि अपनी जो है वो सिलेंडर को एडजस्ट कर लें, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाली कॉइल जो है वो सिलेंडर के सेंटर में आ रही हो, ठीक है। और सेंटर में आने के बाद जो है आप सिंपली मैश टूल्स में जाएं, इंसर्ट एज लूप टूल करें, ठीक है। एक एज आप यहाँ पर ऐड कर दें, एक एज आप यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये कि हमारे पास सपोर्टिव एजेस होंगी, यानी कि हम जब वर्टिसीज को कंबाइन कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अब इन दोनों को सिलेक्ट करके जो है वो मैश में जाता हूँ बोलियन, और यहाँ से यूनियन कर देता हूँ, ठीक है। यूनियन करने के बाद अगर आप 3 प्रेस करके देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है वो अजीब सा आपका मैश हो गया है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें जो हमें सेकंड पार्ट जो हमें चाहिए था, यानी कि शार्प कॉर्नर्स जो चाहिए थे स्क्रू वाले, वो भी नहीं आ रहे। तो उनमें तो ये आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें एजेस ऐड करनी पड़ेंगी, और एजेस इजीली हम ऐड कर सकते हैं बेवल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले आप वर्टिसीज वाली प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपने जाना है मैश, आपने जाना है वर्टेक्स मोड पर, ठीक है। और यहाँ से डबल क्लिक करके जो अपने तमाम वर्टिसीज को सिलेक्ट कर लें, या फिर ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपली आप जाएँ एडिट मैश में। एडिट मैश में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है। आप यहाँ से जो इसकी वैल्यू को रीसेट कर लें, या आप अपनी वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। वैसे यही थ्रेशोल्ड जो है वो बेहतरीन काम करता है, और सिंपली आप इसे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जो है वो अप्लाई हो गया, और आप अगर स्मूथ प्रेस करके देखें तो आपके पास पहले जैसा इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि जो अजीब से वर्टिसेस आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे। और इसमें अब हमें ये करना है कि हम जो है वो इसमें बेवल ऐड करेंगे, यानी कि अभी भी जो है वो राउंडेड एजेस आ रही हैं, ठीक है। तो हम इसमें इन तमाम ही एजेस में जो है वो बेवल ऐड कर देते हैं, यानी कि आप ये वाली एज हो गई आपकी और एक ये वाली। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो है वो एक्स्ट्रा एजेस सेलेक्ट ना हो, जो हमें नहीं चाहिए हम उन्हें डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से। और हमें ये जो 3 एजेस थी हमारी, यानी कि टॉप सेंटर और बॉटम वाली, हमें तीनों चाहिए। और हम इनको सेलेक्ट करते हुए ही अपने एडिट मैश में जाते हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर बेवल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को भी जो है वो ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर बहुत ही क्लोज रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से जो है वो शार्प वाला इफेक्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। सही है, इस तरह से चाहिए था, हमारे पास इस तरह का जो है वो इफेक्ट आ जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा वर्टिसीज आ रहे हैं, यानी कि क्वाड्स नहीं बनेगा। यहाँ पे ट्राई बनना शुरू हो गया, ठीक है। 1 2 3 ये हमारे पास ट्राई बनना है। तो आप इनको जो है अगेन इन वर्टिसीज को जो है वो पकड़ के एडिट मैश में जाएं और यहाँ से मर्ज कर दें, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से भी इनको जो है वो मर्ज कर दें। एक प्रॉब्लम और आ रही है हमारे पास, वो ये कि हमारे पास इस फेस का जो है वो इसमें 6 वर्टिसीज आ रहे हैं, जो कि हमें क्वाड चाहिए था। वो क्वाड बन के नहीं आ रहा, बल्कि 6 वर्टिसीज आ रहे हैं, और इनको भी हमें जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये करें कि आप मल्टी कट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने जाना है मैश टूल्स में, आपके पास यहाँ पे मल्टी कट ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसमें आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है चेंज कर लें। आप अगर स्नैपिंग जो है आपकी प्रॉपर नहीं कर रहा, तो आप इसमें स्नैपिंग के जो है वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दफ़ा से जो है एज क्रिएट करने के बाद एंटर प्रेस करें, ताकि जो है वो कन्फर्म कर लें। इसमें स्नैपिंग का जो है ख्याल रखा करें, क्योंकि वो जो है ना स्नैपिंग कहीं पर भी कर देता है। और हमने जो अपनी एजेस ऐड करी थी, जो सिलेंडर में ये वाली और नीचे वाली, वो अब आप देख सकते हैं कि हमारे लिए किस काम में आ रही हैं, ठीक है। और ये जो है हमें सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि हम जो है अगर इनको कंबाइन करते हैं तो ये हमें जो है सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जो है वो इस तरह से पॉइंटेड रखना चाहते हैं तो पॉइंटेड रख लें, ठीक है। वरना आप जो है इसे कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये वाली एज को जो है वो थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर की तरफ कर दें इस तरह से, ठीक है। ठीक है जी। तो सेम ऊपर वाले स्टेप्स को जो है हमें दोबारा रिपीट करना होगा यहाँ पे नीचे की तरफ। और आप जब इसे करेक्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका मैच जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर का जो है आप स्क्रू का हेड जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि आप इसमें मल्टीपल एजेस ऐड करें, और वर्टिसेस या फेसेस को पकड़ के जो है आप इसमें ऊपर से जो है वो चौड़ा कर दें, इसे एक्सट्रूड कर दें बाहर की तरफ, ठीक है। तो आपके पास एक जो है वो स्क्रू का मॉडल तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हमें अपोजिट साइड वाला चाहिए हो, मतलब कि ये तो हमारा स्क्रू का जो है वो मॉडल तैयार हो गया, ठीक है। अगर हमें जो है इसका अपोजिट चाहिए हो, यानी कि नेगेटिव साइड चाहिए हो, तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। एक तो हमें जो है अगेन मैश चाहिए होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो है वो सिलेंडर की जगह
पाइप मॉडल करते हैं, और पाइप को जो है वो आप मॉडल कर लें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, और इसकी जो है हाइट डिफाइन कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जो है अब इनसाइड की तरफ होगा, तो हमें जो है वो ऑफ कोर्स पाइप मॉडल हमने यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आप अगेन इसमें जो है इसका रेडियस मैच कर लें। ये वाली जो हमारी एजेस हैं, अब हमें जो है वो इस वॉल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी थिकनेस को जो है वो मैच कर लें इसके साथ इस तरह से कि वो इनसाइड चल जाए एक दफ़ा, और अब आप इनको जो है वो अगेन स्टेप्स फॉलो करें, मतलब कि आपने सपोर्टिव एजेस ऐड करनी होंगी जिस तरह से हमने यहाँ पर ऐड करी, ताकि जो है हम बाद में इन्हें कंबाइन कर सकें। और आपने सिंपली जो है मैश में जाके इन दोनों को पहले तो ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और मैश में जाके अब आप बोलिन में यूनियन नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है हमें नेगेटिव साइड चाहिए, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने पे जो है वो हमारे पास इस तरह का मॉडल आ जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट साइड वाला आ रहा है, और अभी भी इसमें जो है वो सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे, मतलब कि अभी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सपोर्टिव एजेस वगैरह इसमें ऐड करें, और इसमें जो आपका शेप आपने चाहिए था वो आप इजीली इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दी एंड जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह का आएगा, और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप बहुत डिटेल में जो है वो अपने किसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके वर्टिसेस जो है वो कोई ओवरराइड ना कर रहे हो, ठीक है, और जहाँ पे जो है वो कॉर्ड्स बनाने हैं वहाँ पे कॉर्ड्स ही बनने चाहिए, और ट्राई जो है वो अवॉइड करने हैं हमें, ठीक है। इसी तरह से आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट मैशेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बॉटल कैप हो गया और स्क्रूज़ हो गए, नट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए मॉडल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से ट्यूटोरियल्स की वीडियोस और टेक्सचर्स वाली वीडियोस सारी जो है वो आती रहेंगी एक एक करके। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।